चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा जी। एक बात यहाँ सभी साथी बड़े ध्यान से और सुन लें, क्योंकि हमारे बड़े महान जानकार आए हुए हैं कि धनतेरस पे जो कल गया है दिन, उस पे आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। तो कोई बर्तन खरीदा होगा स्टील का, तो जब स्टील आई तो आपने स्टील का खरीद लिया। अभी तो लोग सोने चांदी का भी खरीदते हैं, हीरा भी खरीदते हैं, मगर जब स्टील नहीं थी तब क्या खरीदते थे? तो पीतल का खरीदते थे, उससे पहले लोहे का, फिर तांबे का खरीदते थे। मगर जब तांबा भी नहीं था तब क्या खरीदते थे और क्यों खरीदते थे? दरअसल ये जो परंपरा है ये भी हमारी है, क्योंकि जो दही है, जो धान है, जो तंडुल है, जो जिसको चावल बोलते हैं, वो आ रहा है और उसको रखने के लिए मटके चाहिए, और मटके मिट्टी के होते थे। आपने देखा होगा कि जो फोटो है उसमें मिट्टी के मटके हैं। जो मटके खरीदने का जो रिवाज है, यानी बर्तन खरीदने का जो रिवाज है, वो हमारा रिवाज है, क्योंकि हमको उसमें दही और धान और चावल रखना है। इसलिए अब वो मटके की परंपरा चली गई और ये परंपरा हमारे पास पैसे आ गए या चीजें बदल गई तो फिर सारी चीजें इसमें आती चली गई। ये सारी परंपराएं ऐसी बदली हैं और लोग अपने लोगों से बहुत वो मांगते हैं कि इसका रेफरेंस दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए, रेफरेंसेस के साथ बताइए। मगर कभी भी उन लोगों से रेफरेंस नहीं मांगते जिनकी कहानी भी काल्पनिक है, जिसकी कहानी पुराण है, जिसको वो प्राचीन बोलते हैं, जिसको वो कहते ही पुराण है, उसका कोई नहीं मांगते। हमारे लोगों से कहते हैं कि आप बताइए कि ये जो दिवाली है, जिसको कहते हैं कि ये बौद्धों का फेस्टिवल है, इसका प्रमाण दीजिए। अरे भाई, हमारा प्रमाण तो बाद में मांग लेना, हमारी तो शुरुआत है, खोज रहे हैं। आप उनसे तो मांगो जिनकी आप इतने दिन से स्तुति करते आ रहे हो, कहानियां पढ़ते आ रहे हो, कहानियां सुनते आ रहे हो। वहां जाके आप परिणाम मांगोगे, वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो परिणाम नहीं है। हमारे पास तो ये लोहे के ये जो स्तूप बने हुए हैं, भरूत के, और ये पत्थर के बने हुए हैं, और ये हमारे पास धम्म लिपि है और अशोक की लिपि है, इनमें बहुत कुछ मिलने वाला है। पाली के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, 16वां वॉल्यूम देकर जा रहा हूँ पाली का, पढ़ोगे तो इतिहास की जड़ों तक पहुंच जाओगे, अपने घर तक पहुंच जाओगे, पूरा घर आपका मिल जाएगा। अभी तो शुरुआत की है, पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे भोसेकर साहब हैं, ये बहुत लोगों को पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हमारे मोतीलाल जी अहिरवार जी ने तो 3 किताबें भी लिखी हैं, 4-5 किताबें भोसेकर साहब ने भी लिखी हैं, और अपने नामदेव जी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पाली का अध्ययन वो कर रहे हैं। तो कोई किसी का प्रश्न अगर ठीक है, जायज है, तो वो हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकता है, मगर जायज क्वेश्चन होना चाहिए। पूछे प्लीज जी। मेरी दो छोटी छोटी बातें हैं। पूछिए पूछिए। एक तो मिट्टी के जो बर्तन है जिसमें अनाज डालते थे, जल्दी आपके पास उसके फोटो मंगवाया, मैंने करनाल में पड़े हैं शायद मटके। अच्छा। और मैंने खुद अपने घर में देखे, मेरी माँ मिट्टी का वो बनाती थी, कुठला बोलते थे उसको, कुठला, बिल्कुल, उसमें चने अनाज डालते थे, मिट्टी का बनाते थे, कम से कम 7-8 फुट ऊंचा, और बर्तनों में ही मैं जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें डालते थे। ये फोटो आपके पास जल्दी और जहां प्रत्यक्ष मिल जाएंगे। दूसरा मेरा जो प्रश्न था, ये जो राजकुमार की बात आ रही है बार बार, राजकुमार, तो इनके बारे में इनका क्या कहना है कि यानी वो राजकुमार के बेटे थे, तो ये कितनी सच्चाई है? नहीं, वो उनकी मेरे ख्याल में प्रैक्टिस में आ रहा है, क्योंकि बुद्ध तो किसानी थे, खेती थे, उसकी पत्थर का शिल्प भी हमारे पास में, हल चलाते हुए बुद्ध भी हमारे पास में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा हुआ है कि 11वें साल में जो सिद्धार्थ गौतम है वो अपने खेत में बैठे हुए हैं और जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनके यहाँ हल चल रहा है, और उसका वप मंगल उत्सव भी होता है। पर क्या है कि हम शुरू से लेके जो कहानियां पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसमें राजा और राजकुमार हमको रटवाया गया है, राजकुमार सिद्धांत तो वो, और उनकी हिंदी थोड़ी सी, क्योंकि वो मराठी हैं और वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, इसलिए वो उनकी प्रैक्टिस में आ रखा है, बाकी वो अच्छी तरह जानते हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर वो इसी बारे में वो आंसर दे किस प्रकार से देना चाहें तो एक बार देने दो। अब भोसेकर जी, भगवान बुद्ध हरियाणा में आए हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, वो जवाब बता दीजिए प्लीज। वो राजकुमार आप बोल गए तो उसमें थोड़ा सा। अच्छा सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बहुत बताया गया है कि शाक्य राजकुमार थे, है ना, और वो राजकुमार सिद्धार्थ वगैरह, तो सही मायने में वो खतिया थे। खतिया यानी खेती करने वाले थे, और हाँ खेती है, वो नाम ही है, पाली त्रिपिटक में नाम आता है खतिया,
खतिया का मतलब है जो खेती करता है, जो आगे चलकर जिसको क्षेत्रीय जी कहा गया है या फिर उसका ये किया गया है। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये जो वर्णन जो है, मेरा कहने का मतलब था, मैं शिल्प के बारे में कह रहा था कि ये जो जितने भी शिल्प हमें दिखाई देते हैं, इन शिल्पों का सही मायने में अर्थ क्या है और उसको आगे चलकर यानी करीबन 17वीं शताब्दी के बाद या ये यूं कहिए कि 18वीं शताब्दी के बाद इन शिल्पों का पूरा का पूरा अर्थ बदल दिया गया और यहाँ की व्यवस्था ने उसको बदल दिया गया है। इसके बीच में इसका जो पुराना जो मूल अर्थ है उस अर्थ को हमने समझना चाहिए और जब हम अर्थ को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि बौद्ध संस्कृति कितनी महान थी और ये बौद्ध संस्कृति के प्रमाण है। अभी आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने राजा रवि वर्मा का उदाहरण दिया था, उन्होंने ये सारे शिल्प जो है, ये जो चित्रकारी की उन्होंने, जो भारत में हर जगह पे प्रसिद्ध होगी इनकी चित्रकारी, तो इनका जो है वो सारे शिल्पों से प्रेरित है जो बौद्ध गुफाओं में दिखाई दी गई थी। गौतम बुद्ध गए थे वहां स्तूप बनाए, थोड़ा इसको क्लियर करें। सर बात ऐसी है कि बुद्ध यानी धम्म में भी इसका रेफरेंस है। दूसरी बात है कि पहले जैसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उस वक्त बुद्ध की अस्थियों के 8 भागों में विभाजन हुआ था और फिर बाद में सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धम्म का बीड़ा उठाया प्रचार और प्रसार करने का, तो उसके ही वो सारी अस्थियां इकट्ठा की गई और फिर उसको अलग अलग जगहों पर बनाया गया, बिछाया गया और वहां पर स्तूप विहार बनाए गए, ऐसा इतिहास में प्रमाण है। और ये जो भगवान बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षुओं ने 82,000 प्रवचन भगवान बुद्ध के आते हैं और 2,000 समकालीन भिक्षुओं के आते हैं, इसीलिए 84,000 धम्म स्कंद बोले जाते हैं उसको, और उसको उसके ऊपर तथागत बुद्ध के अवशेषों के ऊपर सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तूप बनाया, ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। क्या लिखा है सर? मोर ग्रिमः थूपादासस्य दानं थम्मो, मोर ग्री इसमें जगह का नाम है, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा मोर ग्रिमः थूप दासस दानंग थम्मो, मतलब मोर ग्री के थूप दास का स्तंभ दान, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो स्तंभ का भाग है नीचे जो शिल्प है, ये तो दानदाता का नाम लिखा हुआ, उन्होंने स्तंभ दान दिया हुआ। सर इसको बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं पढ़ रहे हैं, कौन सी भाषा में है ये धम्म लिपि में है, पाली भाषा में, बाएं से दाएं पढ़ जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, दाएं से दाएं पढ़ रहे हैं जैसे हिंदी पढ़ते हैं, उसी स्टाइल में उसको पढ़ते हैं, बाएं से दाएं। रणवीर से एक क्वेश्चन बोसेकर जी से है, ये थोड़ा सा आर्य और ये हमारी जो बौद्ध संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हर चीज में जैसे वैसे तो आंसर मिल गया है, सुधीर राज जी ने दे दिया, मैंने लिखा हुआ था कि वो प्रमाण हमारे से उनसे कोई नहीं मांगता, हमारे तो प्रमाण निकल रहे हैं बाकायदा सारे जो भी हैं, लेकिन उनके प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो पुरानी बातें कह देते हैं कि लाखों से या सनातन से आ रहा है, कोई उनके प्रूफ नहीं है। परियार साहब जी, 60-70 साल से लगातार दिवाली मना रहे हैं, 3 साल से बौद्धों ने मनानी क्या शुरू कर ली, उनसे प्रमाण मांगने शुरू कर दिए और 70 साल से किसी ने नहीं मांगा प्रमाण, आज तक उनसे नहीं मांगता कोई भी। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं? दीजिए दीजिए सर जी। अब ये देखिए, महात्मा फुले जी ने सबसे पहले शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली और उन्होंने शिव जयंती ये उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाना शुरू कर दिया। इसको एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रांति के रूप में देखा जाए, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इस शिव जयंती को नरेटिव बनाने के लिए, उसके अगेंस्ट एक नरेटिव बनाने के लिए उन्होंने पुणे में गणपति का आयोजन करना शुरू किया। उसके पहले कहीं भी भारत में गणपति का इतना बड़ा फेस्टिवल या जो भी है कभी मनाया नहीं जाता था।
हो सकता है कई जगह पर कई लोग उसको मनाते होंगे अपने अपने घर में पूजा स्थान में, लेकिन जिसको आज सार्वजनिक रूप हो गया है वो नहीं हुआ है। ये सारी जो बातें हैं ये 19वीं शताब्दी के शुरुआती तौर पर है। तो अब देखिए पिछले 100-125 साल में या 150 साल के आसपास में ये पूरे भारत में चाह गया है, यहाँ तक कि बाहर तक चला गया है। तो और फिर लोग उसको कहते हैं ये सबसे प्राचीन है, उसके पास बहुत सारी मनगढ़ंत कथाएं उसके साथ जुड़ी गई हैं और लोग उसको मनाने शुरू करे जैसे कि ये बहुत प्राचीन उत्सव चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप जैसे भी आज होता है तो हमें, इसलिए मैंने कहा था कि ये सारे फेस्टिवल के मूल स्रोत के पास हमें जाना पड़ेगा, इसको ढूंढ निकालना पड़ेगा ये सारे प्रमाण, और ये प्रमाण हमें हमारे आसपास ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कुछ सारे, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ शिल्प या फिर कुछ किताब में से जो निकले हुए जो ग्रंथ हैं, जो हो सकता है आचार्य अश्वघोष जी के है, आचार्य बुद्ध घोष के है, ये सारे ग्रंथों में भी प्रमाण मिलते हैं हमें, सिर्फ हमें उसको ठीक सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा और उसका सही अर्थ निकालना पड़ेगा। पिछले 100-150 साल में मेरा ये मानना है कि बौद्ध संस्कृति से जुड़े बहुत सारे शब्दों का अर्थों का अनर्थ किया गया है, अलग ढंग से हमारे सामने उन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, और इसी कारण जो है हम उसके मूल अर्थ भूल गए हैं और ये नए अर्थ को पकड़ के चले हैं। तो जब तक हम ये सारा चीज मूल स्रोत के हिसाब से नहीं देखते हैं, उसके प्रमाण ढूंढ के नहीं निकालते, तब तक हम उनके लोगों के सामने उसको पेश नहीं कर पाते, और उसके प्रमाण लेकिन है, लेकिन इतना तो जरूर मैं कह सकता हूँ। जी रणवीर सिंह टांग जी, अपना प्रश्न पूछिए, किससे आपका प्रश्न? हेलो, हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। प्रश्न किससे आपका? हाँ मैं सर, ये जो हमने समझ लिया कि महामाया, जो चित्र आपने जैसे दिखाया महामाया लक्ष्मी जो भी हमने मान लिया समझ लिया, लेकिन मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या पूजा करना है, जिस ढंग से उपासना करते हैं पूजा करते हैं दीपावली वाले दिन? सर पाली में पूजा का मतलब है नहीं, सर मैं पूछना भाई क्या उचित है, क्या ठीक है, क्या उससे कुछ लाभ होने वाला है? वो हमारी नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो पूजा शब्द है उसका मतलब समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। पूजा का मतलब होता है पाली के अंदर पा जानाती, पा का मतलब होता है पांडु, पांडु का मतलब होता है पीलर, पीला का मतलब होता है पीले कपड़े वाले के वचनों को जानना, जानाती। इन दो शब्दों से मिलकर पूजा बना है, यानी जो बुद्ध कहते हैं जो पीले कपड़े में है, जो वो वचन कहते हैं उनको जानना, उनको मानना नहीं, उनको जानना और उनको प्रैक्टिस में लाना, उसको पूजा बोला गया है। इसी से पावन शब्द बना है, पावन का मतलब है, इससे पा वचन बना हुआ है, यानी कि पीले कपड़े वालों के वचन। तो ये पूजा जो होता है इसका जो प्राचीन शब्द है, क्योंकि भारत में इन जो चीजों की जो जैसी पूजा वर्शिपिंग होती है, ये वर्शिपिंग वर्ड बाहर से आया जिसको यहाँ से पूजा है। भारत के अंदर गॉड शब्द भी नहीं है, गॉड का कोई वो नहीं है। यहाँ पर अगर आप गॉड का शब्द ढूंढोगे तो पाली में, पुरानी भाषा में, क्या नई भाषा में नहीं मिलेगा आपको। गॉड अलग तरह की चीज है और उसका कोई सिनोनिम है नहीं, यहाँ पे कोई पर्यायवाची नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो पूजा है वो होती है कि उनके वचन को मानना और उनके वचन को जानना, पहले जानना फिर मानना, प्रैक्टिस में लाना, उसको पूजा बोला गया है। उन्होंने उसको क्या किया कि आप सिर्फ चरण छू लो, आप धोख लगा लो, बत्ती जला लो। हमारे लोगों को मैं भी मोमबत्ती जलाना सिखा दिया, जबकि मोमबत्ती जलाने की परंपरा हमारी नहीं है, दिए जलाने की परंपरा जरूर रही है, क्योंकि अभी जो हमारे ये मोतीलाल जी ये बताएंगे कहाँ कहाँ दिए जलाने का जिक्र है, वो लाइट अप होता है वो अलग बात है, वो बताएंगे सर। मोतीलाल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, जो पुफ जो शब्द है पाली का, पुफ से पूजा, भाई पुफ चढ़ाने का, अर्पित करने का है, हम उससे उनसे कोई मांग नहीं रहे, पूजा में ही आप भिन्नता देखिए, रिस्पेक्ट है वो। तो भाई हमारे जितने भी जो महापुरुष हैं, जो भी हमारे भगवा हैं, तो पुष्प अर्पित करके एक रिस्पेक्ट प्रदान करना उनके लिए। और जो आगंतुक संस्कृति की पूजा है वो हमारे पुप इसी यहीं से उन्होंने ग्रहण करी है, वहां यज्ञ होते थे। जो पूजा पूजा मतलब अर्पण करना वो अलग चीज है, और रिस्पेक्ट देना पुष्पांजलि या इस तरह का जो था कार्यक्रम होता था, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए था, ना कि उसे कोई एक्सपेक्ट करते थे भैया आप हमें दे दीजिए, हम पूजा करें तो आप हमें कुछ मिलेगा, ऐसी आशा नहीं होती थी। भाई बुजुर्ग होने के नाते, हमारे महापुरुष होने का, भगवान होने के नाते हम उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। जो दीपक का जो प्रमाण हमें मिलता, जो भरूत स्तूप है, आजकल आज का पूरा पूर्व भरूत पे केंद्रित हो गया है,
भरूत की जो वेदिका के आसपास वहां तीन लेयर्स में स्टैंड्स बनाए गए थे और एक स्टैंड में तीन लेयर थी, वहां लगभग 660 दीपक रखने की व्यवस्था थी। वो 660 डिवाइड बाय 3 करेंगे आप तो तीन लेयर में वो स्तूप के आसपास उनको रखा जाता था, उससे लाइट अप होता था पूरा दीपक, दीपक जलते थे वो सुंदर बनता था। तो ये एक्चुअली जो भरूत का जो अपना स्तूप है ये लगभग ईसा से पूर्व का है, लगभग 100 साल दो बार 100 से 150 बीसी के आसपास का। तो दीपक की परंपरा हमारे कल्चर में है, बुद्धिस्ट कल्चर में है। और दूसरी बात आप देखें तो जो दीप जो स्तूप है उस स्तूप पर आप दीपक आप घर में आप लाएंगे अभी देखिए दीपक को आप सीधा रखिए तो वो उसको जलाएंगे तो लाइटनिंग होगी उसमें, मतलब वो प्रकाश की या ज्ञान की अवस्था है। दीपक को आप रखें तेल डालें बत्ती जलाइए तो यदि उसको रखते हैं तो वो जो सीधा रखा रहेगा दीपक तो मतलब लाइटनिंग प्रकाश ज्ञान की अवस्था। जब वो दीपक यदि भुज जाएगा तो वो हो गया निब्बान, और उसी दीपक को आप उल्टा रख दीजिए मतलब जो अवशेषों को संरक्षित करने की प्रक्रिया दैट इज स्तूप। स्तूप कोई नई चीज नहीं है, दीपक से ही जुड़ा हुआ है पूरा। तो इस जो दीपक है हमारे कल्चर बुद्धिस्ट कल्चर का ही भाग है और आज भी बना हुआ है। लेकिन जो संपर्क सूत्र जो जैसे भोसेकर साहब ने बताया, कत्के साहब ने बताया, सुधीर सर ने बताया, ये हमें जो छूट जो संपर्क सूत्र टूट गए हैं जो बिछड़ गए हैं बिसर गए हैं उनको पुनः एकत्रित करने की आवश्यकता है। और संपर्क सूत्र जैसे हमें जुड़ेंगे जो हमारे पास जो धुंधली सी पिक्चर कई जगह आ जाती है वो सब क्लियर हो जाए। साधु सर, ये पुप्प के बारे में गाता वंदना में है, पुप्प मिला याति यथा इदम में कायो तथा याति विनाश भाव। पुष्प जब हम अर्पण करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पुप्प मिला याति यथा इदम में कायो तथा याति, मतलब हम जो पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प का जो गुण है कि आज पुष्प खिला हुआ है फूल और कल जाकर के मुरझा जाएगा और नष्ट हो जाएगा, तो हमारा शरीर भी है कायो तथा याति विनाश भाव। इसी तरह हमारा जो शरीर आज है वो कल मुरझ जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। यही भावना में जब पुष्प अर्पण करता हूँ तथागत को तो मैं हर वक्त ये मेडिटेशन की भावना रखता हूँ कि मेरा शरीर अनित्य है, पुष्प जैसा मिट जाएगा वैसा ही मेरे शरीर का भाव होने वाला है। ये भावना में बुद्ध को पुष्प अर्पण करते वक्त अपने मन में डाल रहा हूँ। वो आईडी ले लिया ना। हाँ अतुल साक्य जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। सुधीर सर, ये ईश्वर के बारे में क्या बता रहे थे, ईश्वर शब्द का मतलब? इसी माने होता है वैज्ञानिक, वर माने होता है श्रेष्ठ। अच्छा ठीक सर। देखो महा इसी जो होता है ना, बड़ा इसी बोलते हैं उसको, बड़ा वैज्ञानिक महा इसी, तो उसको महर्षि बोलने लगे बाद में, इसी से ऋषि बना दिया उन्होंने संस्कृत में, इसी को ऋषि बोलते हैं। इसी जो मृगदाय पत्तन होता है ना, जहां वाराणसी में जहां बुद्ध रुके थे सारनाथ में जी, तो इसी पत्तन का मतलब होता है जहां पे वैज्ञानिक पाट पे बैठते, पत्तन माने होता है पाट यानी बैंक रिवर का किनारा, तो इसी पट्टन बोलते थे वहां यमुना किनारे, इसी पट्टन जगह थी वो। वर मीन सर, वर माने मौका भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, जैसे स्वयंवर होता है ना जो महिलाएं चुनती है स्वयंवर जी, तो स्वयंवर का मतलब है कि अपने स्वयं माने निज और वर माने श्रेष्ठ को चुनना। तो वो जो लड़के खड़े रहते थे वहां पर उसमें से महिलाएं पहले हमारी अच्छा पति चुनते थे, अगर आप उस जमाने में होते तो फिर आपको चुनती महिलाएं, अभी तो आपने चुना है। जी सर, धम्मचक्र पवत्तन सूत्र में भी कहा एक समय भगवा इसी पतने मिगदाए, हाँ वो पंचवग्गीय भिक्खु आमंते सी, तो इसी पतन यानी ऋषि जिसको बोलते हैं या फिर भिक्खु या कोई ऐसे ज्ञानी लोग रहा करते थे यहाँ का ठिकान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं।
कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.